ऐसे ही करना है, सेम जैसे लिखवाए थे मैंने, पहला उतारो फिर ये दूसरा, फिर ये उतार के फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना, ये लिखना है फिर से ये इधर जो थे ये वाले कर लोगे ऐसे ही। हाँ इधर इधर से स्टार्ट कर लो, इधर लिख लेना डिवाइड बाय इधर करके देख लेना। चलो भाई देखो यहाँ इधर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिवॉल्यूशन डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू क्लॉक वाइज व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। दिखाओ सामान से काम होगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले ये चेक हो जाए। क्वेश्चन 3 तक किया था ना, 4 से करना है तुम्हें। नहीं है बहन? अब जैसे ये घड़ी है ठीक है, इसमें बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिवॉल्यूशन, अभी मैंने बताया पूरा का पूरा, अगर ये पूरा ऐसे यहाँ से पूरा गोल घूम जाए यहाँ तक पूरा क्या कहलाता है, 360 डिग्री। और ये 3 नंबर होंगे ना यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाते हैं 90 डिग्री। कितना होता है? फिर यहाँ तक आएगा एक और 90 डिग्री, ठीक है, फिर एक और 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ भी। तो ये 3 नंबर का है ना जो 90 डिग्री, इसको कहेंगे 1/4, फिर इसको भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। ये 1/4 अगर ये 2 90 हो गए तो 1/4 और 1/4 तोड़ेंगे तो कितना हो गया 2/4, क्या कहलाएगा 2/4। अगर तुम यहाँ से 1 2 यहाँ 6 नंबर घूमे तो क्या हो जाएगा 2/4, फिर इसको 3/4, ठीक है, ये 4/4 में पूरा हो गया तुम्हारा। अभी बोल रहा है 3 से व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये फ्रैक्शन में है 1/4 क्या है, फ्रैक्शन 1/4 क्या कहते हैं, एक क्वार्टर भी कहते हैं, ठीक है। तुम उधर बैठ जाओ, से सही दिखेगा तुम्हें, उधर बैठो, इसको उल्टा दिख रहा है फिर इधर से। अब इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, मुंह इधर करके बैठ जाओ, मेरे मुझे पता रहेगा ना क्या कर रहे हो। अभी देखो पहले वाले में बोल रहा है 3 से 9 पे जाना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिवॉल्यूशन डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू क्लॉक वाइज व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। कौन सा वाला? ए वाला, 3 से 9 पे जा रही है तुम्हारी सुई। अब देखो यहाँ थी पहले, ठीक है, यहाँ से जा रही है यहाँ, तो कितना नंबर घूमी, तो ऐसे देख लो 1 90 क्या है, क्या कहलाएगा, और ये भी क्या होगा, तो 1/4 कितना बन जाएगा 2/4 क्या कर सकते हैं, अगर ये कट जाएगा तुम्हारा ऐसे 2 बन जा 2 जा तो क्या बोल सकते हैं, 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, पूरा आधा पूरा बन रहा है, तो हाफ कहलाएंगे। अगर ये तुम वैसे बोलोगे इसको राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल 2 राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और वैसे अगर फ्रैक्शन में बोलोगे तो 2/4 मीन्स हाफ, हाफ है ना, पूरा हाफ लिख सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में क्या आएगा फिर, ये कितना बना 1/2 लिखो, इक्वल, ये फ्रैक्शन है, हाँ नीचे 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 वाणी 1/2। अब इसका बी वाला उतारो, फ्रैक्शन लिखना है, डिग्री नहीं बताना हमें, 5 to 2। अब तुम्हारी 5 से 2 पे जा रही है, अब तुम गिन लो 5 से 2 तक में कितने नंबर होंगे, यहाँ तक जा रही है तो नंबर लो 1 4, 5, 6 यहाँ पे, तो ये कितना फ्रैक्शन है, 5 से 2 को जा रहे हैं, 5 से कहाँ पे गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मतलब 3 राइट एंगल, 3 नंबर का मतलब क्या है, 1 राइट एंगल,
एक राइट एंगल को क्या कहते हो तुम, फ्रैक्शन में क्या कहते हो एक राइट एंगल को, एक राइट एंगल को क्या कहते हो तुम, 1/4 कहते हो ना। तो 5 से 2 पे जाना है तो कितने नंबर किसके होंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 5 से 5 को काउंट नहीं होना, 5 से आगे होंगे, 5 से 6 पे गए है ना, 5 काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ नंबर मतलब, 3 नंबर का मतलब क्या होता है, 3 नंबर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या करते हो तुम, तो फिर 14 नंबर, 2 राइट एंगल यानी 2/4 पे 3/4, तो कितना आ गया यहाँ पे, 5 से 2 पे जाने पे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, 3/4। What are the functions of Lesh Panchayat? It looks after the sanitation and cleanliness of the village. Arranges. अब ये नेक्स्ट याद करके आना है, बोलो इट अरेंज फॉर हेल्थ एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बोलो इट अरेंज फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, रन्स हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, ये याद करके आओ। लाओ इसको आप खुद करो, अरे इसका थर्ड पार्ट खुद करो, कितने नंबर घुमाओ उसको काउंट नहीं करना है, जहाँ से हो गए ना, तीसरा 4 को काउंट नहीं करना, तो तुम बताना कितना फ्रैक्शन हुआ। अरे ऐसे नहीं करना, इन सबको ए में क्या गया है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 ठीक है, और इसकी 500 नहीं है, 500 नहीं, 500 आएगा, THS लगाते हैं, tens, hundreds, thousand, THS लगाना है, या फिर लिखेंगे हम इसको पॉइंट में लिख सकते हैं ऐसे, 405 ऐसे लिखेंगे, या फिर इसको ऐसे लिखना है 5/100 यानी 0.05 या 500 लिखेंगे। ये दो तो वाले तो सही है, तुम्हारा ऐड हो गया, जाओ तीनों को एक साथ ऐड करके लाओ। आइए समझते हैं फ्रैक्शन कितना होगा, 4 से 5 6 7 तीन नंबर क्या, एक राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 4, ये याद रखना, एक राइट एंगल मतलब 1/4, पार्टनर को 1/4 कहते हैं, इससे कम आना चाहिए, इससे इससे कम नहीं, ऐसे देखो 7 लिया ना, 2 तो छोटा था इसलिए तुमने दोनों नंबर ले लिए, 7 4 28 पूरा जाए 0 जा, सही तो हो गया 40 आ गया, पहले मैं देखूं एलसीएम तुम्हारा, एलसीएम गलत है तुम्हारा, कहाँ निकाला था, इन सब इन में कुछ भी नहीं मिल रहा ना, तो सारे इनका 7 5 इन सबका मल्टीप्लाई होगा, 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 47 जा, सही कर रहे हो फिर तो, ये भी सही है, 5 से इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई लगा देना ऊपर भी नीचे भी, 5 से इसको डिवाइड करके देखो, 56 आया, सही आ रहा है, मल्टीप्लाई लगा दो ऊपर भी 56 पे नीचे भी, ऐसे ध्यान रखो, देखो भाई आगे, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू फेस नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, नॉर्थ की तरफ से ईस्ट में, पहले तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए तुम्हें, लाओ दिखाओ, ऐसे लिखना है भाई, ये डायरेक्शन के नाम लिखना है तुम्हें, नॉर्थ साउथ, ये लिखो ईस्ट, ई लिखो इधर, डब्ल्यू लिखो इधर, ई लिखो इधर, डब्ल्यू वेस्ट, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करके लाओगी तभी तो चेक होगा, अब ये बोल रहा है हाउ में कितने राइट एंगल, तुम्हें पता है यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, एक राइट एंगल, सुनो एक राइट एंगल, फिर 2 राइट एंगल होंगे, अगर देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ से अगर तुम साउथ में जा, ईस्ट में जा रहे हो तो क्या, एक राइट एंगल, क्या कहलाएगा, एक राइट एंगल, एक 90 डिग्री, और अगर नॉर्थ से बोलेंगे साउथ में जा रहे हैं तो 2 राइट एंगल, क्या बन जाएंगे, 2 राइट,
और अगर नॉर्थ से सीधे वेस्ट में जाए तो एक दो कितने हो जाएंगे, तीन राइट एंगल।